हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान 30 की उम्र में रिटायर होकर अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है और आप अभी भी 65 की एज में ही रिटायर होंगे? क्या आप भी उस इंसान की तरह जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और महंगी गाड़ियां चलाना चाहते हैं? क्या आप भी बहुत सारा पैसा गरीबों में दान करना चाहते हैं? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में हम आपको वो स्ट्रेटेजीज बताने वाले हैं जिन्हें इस्तेमाल करके करोड़पति लोग रिटायर होते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं। इस बुक का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन, जिसे एमजे डिमार्को ने लिखा है। ये बुक आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फार्मूला बताएगी जिससे आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। इस बुक को समझाने के लिए इस बुक को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है और उसके बाद उन सभी पार्ट्स को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द ग्रेट डिसेप्शन, सबसे बड़ा झूठ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कॉलेज जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ग्रेजुएट हो और एक अच्छी जॉब लेकर सेटल हो जाओ और अपने इनकम का कुछ परसेंट शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो और जब तुम 65 साल के हो जाओगे तब तुम अमीर रिटायर होगे। एमजे इस फॉर्मूला को वेल्थ इन अ व्हील चेयर या गेट रिच स्लो कहते हैं। वेल्थ एक प्रोसेस है, इवन नहीं। किसी भी शेफ से पूछो, वो ये कहेगा कि एक अच्छी डिश काफी सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाई जाती है और उसमें काफी मेहनत भी लगती है। वेल्थ बनाने का भी सेम ही तरीका है, काफी सारे अलग इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है और उसे एक बढ़िया चीज बनती है जिसकी मार्केट में करोड़ों की वैल्यू होती है। बिना प्रोसेस के इवेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो हम गेट रिच रिजल्ट देखते हैं वो इवेंट है और सालों की मेहनत का प्रोसेस है। रोड मैप टू वेल्थ, द साइडवे रोड मैप पॉवर्टी, द स्लो लेन रोड मैप मीडियोक्रिटी, द फास्ट लेन रोड मैप वेल्थ, द साइडवॉक रोड मैप। जब एक पर्सन कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और जब उसे एक अच्छी जॉब मिल जाती है तब वो साइडवॉक पे ही चल रहा होता है। एक आदमी जो साइडवॉक पर चलता है उसके पास ना ही कोई प्लान होता है, ना ही कोई सेविंग होती है, उसके पास ना ही मेडिकल इंश्योरेंस है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस होता है। कम पैसा घर में आता है और ज्यादा पैसा घर से निकलता है, मतलब कमाई कम खर्चा ज्यादा। साइडवॉक पर जो लाइफ है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बेस पर काम करती है। अगर आपको लगता है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप च्युइंगम लाए और बस काम खत्म। इस चीज की खरीद ने आपकी लाइफस्टाइल या आपके फ्यूचर के चॉइसेस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं डाला। एक अमीर आदमी जो शोरूम में जाकर बिना सोचे समझे रॉयल्स रॉयस खरीद लेता है, उसके लिए ये चीज बिल्कुल सेम है। अफोर्डेबिलिटी तब आती है जब आपको उसके बारे में सोचना ना पड़े। द स्लो लेन रोड मैप। स्लो लेन इस बारे में है कि आप अपने आज को सेक्रीफाइस करें जिससे आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सके। स्लो लेन एक जॉब है जिसमें आपके हार्डवर्क के बदले आपको पैसे मिलते हैं। स्लो लेन वेपन्स क्या है? स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, ग्रेजुएट हो जाओ, अपने आप को पहले दो, पैसे म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, एडवांस डिग्री लो, आपका घर एक एसेट है। एक स्लो लेनर हफ्ते में 5 दिन यानी कि मंडे टू फ्राइडे की भागदौड़ के बदले 2 दिन का फ्रीडम लेता है, सैटरडे संडे ऑफ। अगर मैं कहूं कि मुझे अभी 5 रुपए दो और मैं तुम्हें कल 2 रुपए दे दूंगा तो क्या आप मुझे ये करने देंगे? आप कहेंगे कि ये तो खराब डील है, लेकिन काफी सारे लोग इस 5 के बदले 2 को एक्सेप्ट करते हैं। वो 5 दिन काम करते हैं, बदले में 2 दिन की फ्रीडम लेते हैं। मैथमेटिकली ये -60% हुआ और कोई भी इंसान जो कंसिस्टेंटली -60% का रिटर्न ले रहा हो वो बहुत जल्दी बैंक्रप्ट हो जाएगा। Why slow lane sucks? Slow lane सही क्यों नहीं है? सकेज नंबर 1, अपने टाइम को ट्रेड करना अपनी लाइफ को ट्रेड करने जैसा ही है। अगर आप जॉब में बंधे हो तो आपके साथ एक बहुत अच्छा टाइम ट्रेड हो रहा है जिसमें आप अपने टाइम और जिंदगी के बदले कुछ कागज के टुकड़े लेते हो, पेचेक्स, जो आपको फ्रीडम देते हैं। इसका मतलब आप फ्रीडम के बदले फ्रीडम लेते हो। सकेज नंबर 2, एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। जॉब में एक्सपीरियंस लेने के लिए कुछ जरूरी चीजें सीखनी पड़ती हैं और उसके बाद उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट कराया जाता है। स्टार्टिंग का सीखने के बाद जॉब में कुछ नया सीखने को नहीं रह जाता और नई नॉलेज नहीं मिल पाती। सकेज नंबर 3, कोई कंट्रोल नहीं है। स्लो लेन में आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं करते हो और अगर आप अपनी इनकम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपने फाइनेंशियल प्लान को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो और अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आप अपना फ्रीडम भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सकेज नंबर 4, अपने आप को लास्ट पे करना, पे योर सेल्फ लास्ट, एक स्लो लेन बिलीफ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप अपने आप को जॉब में कभी पहले पे ही नहीं कर सकते। सबको पैसे पहले मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट, बैंक्स। अगर आप सबको पहले दे रहे हो और खुद को बाद में, तो जल्दी वेल्थ बिल्ड करना एक्सपेक्ट मत करना। एक स्लो लेनर को ये कहते हुए देखा जा सकता है, काश मुझे निकाला ना जाए, काश मेरे स्टॉक के प्राइस बढ़ जाए, काश मेरी कंपनी ना डूब जाए, काश काश काश। लेकिन काश कोई प्लान नहीं है। वाई यू आर नॉट रिच, आप अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि स्लो लेन अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज में बंधा है, इसलिए वो आपको कभी भी रिच नहीं बना सकता। देखो, बहुत सारे पैसे बनाने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, कंट्रोल और लेवरेज। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज 1, जॉब में पैसा इंट्रिंसिक वैल्यू के थ्रू कमाया जाता है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ये मार्केट प्लेस के थ्रू पता लगाया जा सकता है। ये एक प्राइस होता है जिस पर आप अपने टाइम को पैसे में ट्रेड करते हैं।
तो अब हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम में मेजर की जाती है, और ये टाइम अटैचमेंट की वजह से हमें पहली हार्श चीज पता चलती है, और वो ये है कि क्या कोई टाइम को कंट्रोल कर सकता है? जवाब है नहीं। ना ही टाइम को लेवरेज किया जा सकता है। एक इंसान जो घंटों के बेसिस पर काम कर रहा है उसकी अपर लिमिट 24 घंटे है। 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 8 या 10 घंटे ही ट्रेड किया जा सकता है। सैलरीड वर्कर के लिए भी ये चीज सेम है। आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो एक इंसान 40 या 50 साल काम करके ही कमा सकता है। आज तक किसी ने भी 10,000 साल काम नहीं किया। तो देखो, आपका टाइम छोटे नंबर्स तक ही लिमिटेड है और उसे लेवरेज भी नहीं किया जा सकता। और मैथमेटिक्स कभी झूठ नहीं बोलती है। अगर लेवरेज लिमिटेड है तो फिर वेल्थ क्रिएशन भी लिमिटेड है। छोटे नंबर्स मिलियनेयर नहीं बनाते हैं। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज टू कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव होने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। टाइम, जो कि सालों में मेजर किया जाता है, उतने सालों के लिए एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पैसा जो बार बार इन्वेस्ट किया जा सके। टाइम आपकी जिंदगी के साल को कंट्रोल करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट की एवरेज ग्रोथ कंट्रोल करती है, और आप जिस तरीके से पैसा कमाते हो यानी जॉब से, वो भी लिमिटेड है। तो आपने देखा कि वेल्थ बनाना कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू लिमिटेड है, क्योंकि जो फैक्टर कंपाउंड इंटरेस्ट को कंट्रोल करते हैं वो भी कम है। जैसे हम अपनी जॉब में कुछ कंट्रोल नहीं करते हैं, वैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने बैंक से डिमांड कर सकते हैं कि वो आपको 25% इंटरेस्ट दें? क्या आप इकोनॉमी कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आप एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं? तो हमने देखा कि हम स्लो लेन में ज्यादातर चीजें कंट्रोल नहीं करते हैं, और यहाँ पे लेवरेज लिमिटेड है। द लॉ ऑफ विक्टिम कहता है कि आप किसी भी चीज का शिकार नहीं बन सकते हैं। अगर आपने अपनी पावर किसी ऐसे को ना दी हो जो आपको शिकार बना सकता है, और साइड वॉक और साइड लाइन में हमने देखा कि आपने ये पावर किसी और को दे रखी है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ विक्टिम आप शिकार बनेंगे। अब हमने समझा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों रोड्स वेल्थ नहीं बना सकती। तो अब ये टाइम है फास्ट लेन को देखने का, जो कि एक बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ बना सकती है। इससे पहले कि मैं आपको फास्ट लेन के बारे में डिटेल में बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद कैसे फास्ट लेन में आया। मैं काफी यंग एज से ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, और मेरा ये मानना है कि सभी के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना और उनकी डेली परफॉर्मेंस चेक करना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ साल पहले तक तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट एक्सेल शीट या डायरी में ट्रैक किया करता था, जो कि काफी डिफिकल्ट था। टेक्नोलॉजी की अच्छी बात यह है कि इसने हर चीज को इजी और कन्वीनियंट कर दिया है। एक ऐप जो मैं काफी वक्त से यूज कर रहा हूँ, जिसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, वो है INDMoney मनी। इस ऐप से मैं अपने सारे लोन्स, एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट, चाहे वो स्टॉक हो, म्यूचुअल फंड्स हो, FDs हो, बॉन्ड्स हो, सब कुछ मैं एक ही जगह पर ट्रैक कर सकता हूँ। ये ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके मुझे मेरी नेटवर्थ बताती है। इससे आप भी अपने फाइनेंशियल गोल सेट कर सकते हैं, और INDMoney मनी आपको उन गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। और जिस चीज ने मुझे इस ऐप की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है, वो है कि आप INDMoney मनी ऐप यूज करके इंडिया में बैठे बैठे जीरो कमीशन और जीरो ब्रोकरेज फीस के साथ US स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप भी एप्पल, टेस्ला और गूगल के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स INDMoney मनी आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है। ये एक बिल्कुल सेफ ISO सर्टिफाइड ऐप है, जिसे गूगल के सिक्योरिटी असेसमेंट प्लेटफॉर्म बिशप फॉक्स ने भी सर्टिफाई किया है। ऐप बहुत ही सिंपल टू यूज है, और इसमें इतने फीचर्स हैं कि शायद मैं आपको एक वीडियो में भी एक्सप्लेन ना कर पाऊं, लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिंक से ऐप जरूर डाउनलोड करना। एंड आई एम श्योर इस ऐप को यूज करके आपकी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म होगी। द फास्ट लेन रोड मैप। फास्ट लेन वेल्थ इसलिए बनाता है क्योंकि वो एक वेल्थ इक्वेशन के अंदर काम करता है, जिसके अंदर कंट्रोलेबल अनलिमिटेड वेरिएबल्स होते हैं, और टाइम अटैचमेंट भी हटा दिया जाता है। इसमें अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज को कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज से रिप्लेस कर दिया जाता है। स्टोरी ऑफ चूमा एंड अजूर। एक महान इजिप्शियन फरावा ने अपने दो भतीजों चूमा और अजूर को बुलाया, और उन दोनों के इजिप्ट के ट्रिब्यूट के रूप में दो मोन्यूमेंटल पिरामिड्स बनाने के लिए कहा। हर एक पिरामिड बनने के बाद उसे राजा जैसी जिंदगी और बची हुई जिंदगी के लिए ऐशो आराम दिया जाएगा। इसके साथ उसे दोनों भतीजों को पिरामिड अकेले बनाने को कहा। उन दोनों को पता था कि उनको इस काम में सालों लगेंगे, तो हजूर ने उसी टाइम से काम करना शुरू कर दिया। वो भारी भारी पत्थर उठाता था, और उसने अपने पिरामिड का फाउंडेशन बना लिया। हजूर ने एक साल की मेहनत के बाद देखा कि जिस प्लॉट पर चुमा का पिरामिड बनना था वो अभी भी खाली था, वहां पर एक पत्थर तक नहीं था। वो चुमा के घर गया और उसने देखा कि वो कोई मशीन बना रहा था। ये देखकर हजूर ने कहा, चुमा तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो एक पिरामिड बनाना था, और तुम अपना टाइम इस मशीन पर बेकार कर रहे हो। ये कहकर हजूर वहां से चला गया और अपने पिरामिड का काम फिर से शुरू कर दिया। एक और साल निकल गया और हजूर के पिरामिड का बेस तैयार हो गया था। अब वो पिरामिड का सेकंड लेवल शुरू करने के लिए तैयार था, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई। पत्थर बहुत भारी थे और हजूर उन्हें सेकंड लेवल तक नहीं पहुंचा पा रहा था। तो हजूर अब इजिप्ट के सबसे शक्तिशाली आदमी बेनी से मिला, और बेनी ने इसे ट्रेनिंग दी जिससे वो भारी पत्थर उठा सके। 3 साल के भारी काम के बाद हजूर ने सोचा कि वो अपने भाई से आगे निकल गया है, क्योंकि चूमा का प्लॉट अभी भी खाली था। फिर एक भारी पत्थर उठाते समय हजूर को काफी शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि चूमा 25 फीट की मशीन बनाकर लाया है, जो मिट्टों में भारी पत्थर को उठा रही थी, और उसने अपने प्लॉट का फाउंडेशन बनाना शुरू कर दिया। जहां हजूर को पिरामिड का फाउंडेशन बनाने में 1 साल लगा, वहीं चूमा ने अपने प्लॉट का फाउंडेशन 1 हफ्ते में बना लिया। चूमा की मशीन काम को 30 गुना ज्यादा जल्दी कर रही थी। 40 दिन के बाद चूमा की मशीन ने इतना बड़ा बना लिया था जितना हजूर को बनाने में 3 साल लगे थे। 8 साल के बाद चूमा ने 26 की उम्र में अपना पिरामिड बना लिया, और फरावा ने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। चूमा को फिर कभी भी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ा, और उसको पूरा राज्य मिल गया। लेकिन हजूर अपना वही पुराना काम करता रहा,
पत्थर उठाना, पैसे और समय बर्बाद करना, ट्रेनिंग लेना और फिर से पत्थर उठाना। अजूर को पिरामिड के 12वें लेवल पर हार्ट अटैक आ गया। वो पिरामिड के खत्म होने के बस 2 ही लेवल पीछे था। जो चीज अजूर ने की वो स्लो लेन है, जो चीज चूमा ने की वही फास्ट लेन है। तो फास्ट लेन एक अच्छा सिस्टम बनाने या एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के ऊपर बेस्ड है, जिससे आप अपने काम को लेवरेज कर सको। टाइम को ब्रेक करने के लिए एक पैसे का पेड़ उगाना होगा। आपकी इनकम आपके टाइम से बंधी नहीं होनी चाहिए। जब आपकी वेल्थ उन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप फास्ट प्रोग्रेस नहीं कर पाते। मनी ट्री एक बिजनेस सिस्टम है और ये फास्ट लेन रोड मैप का मेन रास्ता है। मनी ट्रीज पैसिव इनकम देते हैं और आप बिना रिटायर हुए भी रिटायरमेंट का मजा ले सकते हैं। सारे बिजनेस फास्ट लेन में नहीं होते और उन बिजनेस में से काफी सारों को मनी ट्रीज में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने 5 फास्ट लेन बिजनेस के बीज दिए हैं जिनसे मनी ट्री उगाया जा सकता है। रेंटल सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम, कंटेंट सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। द लॉ ऑफ इफेक्शन। लॉ ऑफ इफेक्शन कहता है कि जितना ज्यादा स्केल और मैग्नीट्यूड में आप लोगों पर इम्पैक्ट करोगे, उतना ज्यादा आप अमीर बनोगे। करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करो और करोड़ों कमाओ, यानी कि नेट प्रॉफिट उतना होगा जितने यूनिट्स बिकेंगी और हर यूनिट पर जितना प्रॉफिट होगा, मतलब स्केल और मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, राहुल एक कंपनी चलाता है जो प्रॉपर्टीज बनाती है। उसने 14 ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बनाए। एक ऑफिस बिकने पर 25 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो 25 लाख जो कि मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लाई बाय 14 यानी कि स्केल, तो नेट प्रॉफिट हुआ 3.5 करोड़। वही राहुल फिटनेस पर एक बुक लिखता है। वो बुक की 3.5 लाख कॉपीज बेचता है और उसे हर बुक पर 100 रुपए का प्रॉफिट है, तो स्केल हुआ 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज प्रॉफिट पर बुक यानी कि मैग्नीट्यूड, तो नेट प्रॉफिट हुआ 3.5 करोड़। स्केल करोड़पति बनाता है, मैग्नीट्यूड करोड़पति बनाता है, लेकिन स्केल और मैग्नीट्यूड अरबपति बनाते हैं। द लीडिंग कॉज ऑफ पुअरनेस। लोग गरीब बनना नहीं चाहते हैं, वो पुअर डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से वो गरीब बनते हैं। जो भी हम अपनी लाइफ में चॉइसेस लेते हैं वो हैबिट्स बनती हैं और उन हैबिट्स से प्रोसेस बनता है और इन्हीं चॉइसेस से सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। हमें उन लोगों की नहीं सुननी चाहिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। अगर आपको वो रिजल्ट नहीं चाहिए जो एवरेज लोगों को मिल रहे हैं, तो आपको एक ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी जिस पर कुछ ही लोग चलते हैं और जो सब लोगों को फेवर में नहीं लगता। यू आर बॉर्न टू रिच एंड विल डाई ब्रोक। टाइम एक फ्यूल की तरह है। आप फुल टैंक के साथ पैदा हुए थे, रास्ते में कोई रिफिल स्टेशन नहीं है। हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम इस तरीके से जीते हैं जैसे हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि पैसा अनलिमिटेड है लेकिन टाइम कम है। एजुकेशन रोल। एक स्लो लर्नर एजुकेशन को अपने इंटरेस्ट वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज करता है, वहीं दूसरी ओर एक फास्ट लर्नर एजुकेशन को अपने बिजनेस और अपनी ग्रोथ के लिए यूज करता है। एजुकेशन ग्रेजुएट होने के बाद खत्म नहीं होती, वो तो तब शुरू होती है। और हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि सभी को एजुकेशन कैसे मिल सकती है। सच बात तो ये है कि एजुकेशन फ्री में अवेलेबल है। दिक्कत यह है कि लोग उस एजुकेशन को लेना ही नहीं चाहते। बुक स्टोर्स, ज्यादातर किताबें 200 रुपए के अंदर आ जाती हैं। आपके घर के पास वाली लाइब्रेरी, यूट्यूब फ्री में अनलिमिटेड एजुकेशन, हमारा चैनल जिस पर 150 से ज्यादा बुक की समरीज अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री, पॉडकास्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं वो फास्ट लेन है या नहीं, तो उसके लिए हमने फास्ट लेन कमांडमेंट्स दिए हैं। अगर आप स्टार्टिंग में सारे 5 कमांडमेंट्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तब भी आप जल्दी वेल्थ बना पाएंगे। आपको एक ऐसा रास्ता दिखना चाहिए जो सारे कमांडमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। द 5 फास्ट लेन कमांडमेंट्स। सेंस फ्रेमवर्क। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, कमांडमेंट ऑफ एंट्री, कमांडमेंट ऑफ नीड, कमांडमेंट ऑफ टाइम, कमांडमेंट ऑफ स्केल। कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ये रूल कहता है कि आपको अपने प्रोडक्ट, मार्केटिंग कैंपेन, अपने रेवेन्यू मॉडल और आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हो, उन सब पर कंट्रोल होना चाहिए। कमांडमेंट ऑफ एंट्री। कमांडमेंट ऑफ एंट्री कहता है कि जैसे जैसे एंट्री बैरियर्स किसी बिजनेस में कम होने लगते हैं, मतलब बहुत से लोग इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, तो फिर उस बिजनेस में कंपटीशन बढ़ेगा। अगर सब उस बिजनेस को कर रहे हैं तो एक लाल झंडा है कि कमांडमेंट ऑफ एंट्री को नहीं माना गया है। कमांडमेंट ऑफ नीड। कोई भी आपके डिजायर्स की, आपकी ड्रीम्स की, आपके पैशन की केयर नहीं करता, तो लोग किस बात की केयर करते हैं? लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि आपका बिजनेस उनके लिए क्या कर सकता है। आप और आपका बिजनेस तभी पैसा कमा सकते हैं जब आप अपना लालच छोड़कर अपना फोकस लोगों की जरूरत पर लगाएं। इसका मतलब इस लालच की दुनिया में अपने लालच को छोड़ दें। द कमांडमेंट ऑफ टाइम। कमांडमेंट ऑफ टाइम कहता है कि आपका बिजनेस आपके टाइम से अलग हो जाए, मतलब आपके बिना भी बिजनेस चलता रहे। फास्ट लेन का ये मकसद है कि वो आपके टाइम से आपके इनकम को डिस्कनेक्ट कर दे। स्टार्टिंग में आप इस चीज को छोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ये करना चाहिए ताकि आपका बिजनेस आपके बिना भी चल सके। कमांडमेंट ऑफ स्केल। आपके सारे कस्टमर्स आपका हैबिटेट कहलाते हैं। जितना बड़ा हैबिटेट, उतनी ज्यादा वेल्थ का पोटेंशियल। स्केल को पाने के लिए आपको या तो मैग्नीट्यूड बढ़ाना होगा या रीच। द 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट्स। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपको किस रोड पर चलना है, कौन सी रोड प्योर फास्ट लेन है। तो यहाँ पर हम 3 फास्ट लेन इंटरस्टेट दे रहे हैं जो कि सारी फास्ट लेन कमांडमेंट को सेटिस्फाई करती हैं। इंटरनेट, इनोवेशन, इंटेंशनल इटरेशन। इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बढ़िया फास्ट लेन है क्योंकि ये सारी कमांडमेंट को सेटिस्फाई करता है। इंटरनेट बिजनेस 7 बड़ी कैटेगरी में आता है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कंटेंट बेस्ड, लीड जनरेशन, सोशल नेटवर्क, कम्युनिटीज, फोरम्स, ब्रोकरेज सिस्टम, एडवर्टाइजिंग,
ई कॉमर्स, इनोवेशन या अमीर बनने का एक अच्छा और पुराना रास्ता है, एक प्रोडक्ट या सर्विस को बनाओ, उसे मैन्युफैक्चर करो और डिस्ट्रीब्यूट करो। इनोवेशन के अंदर दो काम होते हैं, मैन्युफैक्चर करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। इंटेंशनल इटरेशन, इटरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ या एक्ट को रिपीट करना जिसकी वजह से एक गोल या एक रिजल्ट को पाया जा सके। इंटेंशनल इटरेशन फासले के फाइनल कमांडमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ने एक सिंगल फैमिली घर को खरीदा और फिर उसे रेंट पर दे दिया, तो यहाँ पर कोई स्केल नहीं है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 50 घर खरीदे और फिर उन्हें रेंट पर डाल दिया। इस प्रोसेस को इंटेंशनल इटरेशन कहते हैं। फ्रेंचाइजी भी इंटेंशनल इटरेशन का ही एग्जाम्पल है। हमने समझा कि साइडवॉक हमें गरीबी की तरफ ले जाता है, स्लो लेन हमें मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाता है और फास्ट लेन हमें वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जाता है। अब हमें यह चुनना है कि हमें किस रास्ते जाने की जरूरत है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आई इंडिया मनी, जो कि एक बिल्कुल फ्री सुपर मनी ऐप है, ये ऐप आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकती है। मुझे तो ये ऐप काफी पसंद है। आप भी डिस्क्रिप्शन के लिंक से अभी आई इंडिया मनी डाउनलोड करें और आज ही इसे यूज करना शुरू कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते हैं, इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें मेल करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।